रहीम अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, मैं हूं मिसेस माजिद रसूल। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप लोगों को इतनी खुशियां अता करे जो कभी खत्म ना हो, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूं। गर्मियों का मौसम है और शदीद गर्मी है। आज मैं आप लोगों के लिए बैलगरी के शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये है बैलगरी, ये देखें इस टाइप का होता है, बिल्कुल नारियल की शेप का है। ये मैंने तोड़ दिया है, इसको तोड़ कर जो है मैं इसका गूदा निकाल रही हूँ। ये देखें इस तरह से, ये दो बेल गिरी थी, ये मैंने एक बेले से तोड़ लिया और ये देखें ये एक है मेरे पास। इस तरह से इसका गूदा निकाल लेंगे। व्यूअर्स कितना खूबसूरत लग रहा है ये, इसका कलर कितना अच्छा है और ये आराम से निकल जाता है। हमने चम्मच की मदद से इसको एक प्लेट में निकाल लिया, ये सारा गूदा निकल गया। अब हम इसको अच्छी तरह से जो है ना मिक्स कर लेंगे इस तरह से। ये मैं इस तरह से इसको मिक्स कर रही हूँ। ये ज्यादा जो है ना ये पका हुआ है, इस वजह से इसका गूदा मैंने ये खराब सा था, ये मैंने अलग कर लिया। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल मैश करना है इसको अच्छी तरह से। और ये मैंने एक प्याले में चीनी ली है, ये चीनी तकरीबन जो है ये 50 ग्राम है। 50 ग्राम में हम 3 गिलास शरबत बना रहे हैं। वैसे आप मीठा अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। ये देखें ये बिल्कुल जो है ना मैंने इसका मिक्सचर बना लिया है। अब मैं इसको, ये मैंने जो है पहले से चीनी इस तरह से जो है ना मैंने जग में घोल कर रखा हुआ, मैं इसमें ये जो है बेलगरी का मिक्सचर इसमें डाल लूंगी। ये देखें ये इस तरह से, अब हम इसको बहुत अच्छी तरह से विक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह से इसको फेंकना है, इतना कि ये पानी के साथ जो है मिक्स हो जाए। ये मैंने जग में पहले से चीनी डाल के रखा हुआ था, पानी के साथ एक गिलास पानी में डाला था। जब ये अच्छी तरह से जो है ना मिक्स हो जाएगा, व्यूअर्स ये देखें ये बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। इस तरह से करके हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 गिलास पानी मजीद। पहले हमने 1 गिलास पानी डाला था और अभी हम ये जो है 2 गिलास पानी और डाल रहे हैं इसमें। ये हमने इसमें पानी डाल लिया 2 गिलास। अब हम इसको अच्छी तरह से और मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो चुका है, अब हम इसको इस तरह का एक स्ट्रेनर लेंगे और इस तरह के एक बाउल में रखकर इसको छान लेंगे। ये देखें इस तरह से, व्यूअर्स ये पीने में बहुत जायकेदार और मज़ेदार होता है। जिन लोगों का मैदा ख़राब है उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है ये। अच्छी तरह से स्टैंड कर लीजिए व्यूअर्स। ये जिनको जोड़ों का दर्द है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये जो है ना घुटने में जो लेस वगैरह ख़त्म हो जाती है जॉइंट्स में हमारे, उस लेस की कमी को दूर करता है, मैदे को बहुत तकवीत देता है। इसको पीने से जो है ना जिगर जो है, जिगर के मसाइल हल हो जाते हैं। ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये देखें ये शरबत तैयार हो गया है, अब हम इसको गिलास में डाल लेंगे। ये देखें मैंने छन्ने की मदद से छान लिया है, अब मैं इसको वापस जग में डाल दूँगी। देखें कितना गाढ़ा गाढ़ा और खुशनुमा लग रहा है, इसका रंग कितना खूबसूरत आया है। ये शरबत जो है शुगर के मरीजों के लिए भी फ़ायदेमंद है, मगर शुगर के मरीजों को बगैर चीनी के देना है।
ये देखिए ये हमारा शरबत जो है मज़ेदार और ठंडा तैयार है। इसमें आप आइस क्यूब डालें और इसको जो है मेहमानों को पेश करें। रमज़ान है, रोज़ा खोलें आप, इससे बहुत सेहतमंद, सेहत के लिए बहुत बेहतरीन है, ये बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।